इन्फेंटाइल क्लासेस शीर्षक से एक लेख लिखा और यह लेख इतना प्रासंगिक है कि जो हाल ही में पारित हुआ है कृषि बिल, इसके सापेक्ष लेखक की भविष्य दृष्टि से भविष्य दृष्टि समझ में आती है। जो कहा जाता है कि साहित्यकार आने वाले समय को देख लेता है। आज के अवसर पर आपके पिता श्री चंद्रबलि शुक्ल जी का भी स्मरण करना जरूरी है, जो मिर्जापुर में सदर कानूनगो थे। वे चाहते थे कि शुक्ल जी को उसी विधा में ले जाएं और नौकरी कराएं, लेकिन शुक्ल जी को तो साहित्य की सेवा करनी थी और इसी कारण उन्होंने एक अलग राह पकड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्ल जी बहुत अच्छे चित्रकार भी थे और मात्र 57 साल की उम्र में कीर्तिशेष हो जाने वाले आचार्य ज्ञानचंद्र शुक्ल का जन्म आज के दिन हुआ अगौना गांव में। और आज हम उनको याद करके एक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और ये जो संस्था हमारी है वो इस कार्यक्रम को करके एक ये बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है कि आने वाली पीढ़ी ऐसे महापुरुषों को, ऐसे जो अग्रणी लोग हैं उनको याद करे और इस संदेश को आने वाली पीढ़ी तक ले जाए। ऐसे में आज भी जो हिंदी की दुर्गति हो रही है, हम उसको देखें तो आचार्य शुक्ल हमें याद आते हैं कि हिंदी इंग्लिश हो गई है और वो हिंदी कहीं गुम हो गई है जो आचार्य शुक्ल के समय की हिंदी थी, प्रसाद जी के समय की हिंदी थी, निराला जी के समय की हिंदी थी। तो आज हमको ये भी संकल्प लेना है कि हम हिंदी के प्रति अपना स्नेह और बढ़ाएं और उसके प्रति जागरूक हों और हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हमारे प्रमुख अगले वक्तागण के पास चलेंगे जो कि हैं डॉक्टर मुक्ता जी। डॉक्टर मुक्ता जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया स्टार्टिंग में कि डॉक्टर मुक्ता जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वंशज हैं और उन्होंने उनके ऊपर उनकी जीवनी भी लिखी है और साथ ही साथ शुक्ल जी पर दूरदर्शन के लिए फिल्म भी बनाई है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मुक्ता जी को। मैम अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ये आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम आवाज आ रही है। हेलो। अच्छा, सबसे पहले मैं बीएम ज्वाल फाउंडेशन को साधुवाद दे रही हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस ये आपकी जो श्रृंखला है साहित्यकारों पर, इनको आप आगे बढ़ा रहे हैं और ये ज्योति ऐसे ही जलती रहे। तो आज हम यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्म तिथि का ये जो वेबिनार है इसके मनाने इकट्ठे हुए हैं। जितने हमारे मंचस्थ वेबिनार के मंच पर उपस्थित विद्वज्जन हैं, मैं सभी का अभिनंदन कर रही हूँ और शुक्ल परिवार की ओर से भी मैं सभी की आभारी हूँ और सबका अभिनंदन कर रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैं सबसे पहले सादर नमन कर रही हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। जैसा कि अभी हमारे पहले अत्री जी ने भी बताया कि वो अगौना गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। सतवासा गर्भ से थे, बहुत सात माह के गर्भ से पैदा होने के कारण ये बहुत क्षीण थे। इनका इसीलिए इनका नाम झिंकू रखा गया और इनकी दादी जिन्होंने इनका लालन पालन बाद में किया वो दूदू, उन्होंने इनको देखते ही कहा था कि काव आए है तू का जीव। इनको देख के सब लोग निराश हो गए कि इतना कमजोर बच्चा ये कैसे जीवित रहेगा अगौन। लेकिन जो जो शुक्ल जी बड़े हुए उनका जो लालन पालन
उनकी दादी और माँ की देख रेख में शुरू हुआ, तो वो बहुत ही चंचल थे उस बचपन में। और अगौना, जैसा कि एक अग्रायण शब्द का अभ्रंश है, अगौना ये बौद्ध भूमि है। एक तरफ तो ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आते थे, दूसरी ओर ये अयोध्या से जुड़े होने के कारण जो राम से जुड़े भक्त लोग थे वो अयोध्या की ओर जाया करते थे। तो ये दोनों एक तरह का वहाँ सामंजस्य था। और वहाँ पर सवर्णों से ज्यादा दलित लोग उस भूमि में ज्यादा थे, उस गांव में ज्यादा थे, इसलिए शुक्ल जी को बहुत उन लोगों के साथ खेलते हुए उस भूमि में एक यह जो उनका अंदर से जो एक बीजारोपण हुआ, वो हमेशा पूरे आजीवन वो सर्वहारा के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और लोक मंगल की साधना, उनका एक लोक मंगल, लोक कल्याण से जुड़ा लोक हृदय, विश्व हृदय की जो बात करते हैं, तो वो उसमें अगौना का बहुत बड़ा प्रभाव है। और बचपन के अलावा भी वो अगौना बराबर आते जाते रहे और लगकर भी वो काफी दिनों तक अगौना में अपने परिवार सहित भी रहे। उसके बाद वो राठ आए हैं और राठ भी बहुत उनके चंद्रबली शुक्ल सदर कानून होके सबसे पहले वो राठ आए। और राठ में आने पर उन जो सबसे बड़ी घटना उनके जीवन की हुई, 11 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का निधन। और शुक्ल जी ने ये खुद लिखा है कि उस रात को वो कभी नहीं भूल पाए जब वो उन्होंने अपनी माँ की चिता को धू धू करके पूरी रात जलते देखा। वो बालक वहीं बैठा रहा डियरा तालाब के सामने। और यह जो स्मृति थी वो हमेशा उनके जीवन में, अंत तक उनके जीवन की वो ये स्मृति बनी रही। और ये उनके नाटकों में या उनकी कविताओं में भी कहीं कहीं ये बात उभर के आई है। इसीलिए वो उनके जो नाटकों का अंत है हम कभी, या 11 वर्ष जो उनकी कहानी है उसका भी अंत सुखद है। हमेशा वो त्रासदी से जो एक अंत की जो त्रासदी होती है उससे हमें हमेशा ऐसा लगता रहा कि वो हमेशा उनके जो अमिट बना रहा उससे कहीं कहीं वो दूर थे। और फिर मिर्जापुर में जब नायब तहसीलदार हुए चंद्रबली शुक्ल उनके पिताजी, वहां पर अब उनकी माँ नहीं रही, केवल दादी थी जिन्हें वो दूधू कहते थे। दूधू जो है वो रामचरित मानस, राम की बड़ी उपासक थी और रामचरित मानस का रोज पाठ करती थी। तो शुक्ल जी जो है इसीलिए बचपन से जो दूधू के मुंह से उन्होंने रामचरित मानस की चौपाइयां पढ़ी थी, और खासतौर से जब वो वन गमन पढ़ा करती थी तो उनकी आंख से आंसू बहने लगते थे। और शुक्ल जी उनकी गोद में पड़े पड़े उन आंसुओं को पोंछते जाते थे। इसीलिए जो वनवासी रूप है राम का, वह शुक्ल जी के मानस पटल पर हमेशा उनको बहुत प्रिय है वो वनवासी रूप। शुक्ल जी की एक बहुत सुंदर एक शुक्ल जी का चित्र है जो कवितावली में है, जल को गए लखन है लड़का, इस पर उन्होंने एक चित्र बनाया था। और वह चित्र मैंने रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी जीवनी में वह चित्र मैंने दिया भी है, तो वह भी राम वन गमन का है। तो वह जो बचपन का भी प्रभाव है वो उनके जीवन में अंत तक कहीं न कहीं बना रहा है। और जब ये वहां पहुंचे तो आनंद कादम्बनी का प्रेमधन जी के संपर्क में आए, आनंद कादम्बनी का संपादन किया। प्रेमधन जी भारतेंदु मंडल के एक नक्षत्र थे, भारतेंदु जी के बहुत करीबी थे और प्रेमधन जी का ही के कारण ही नागरिक प्रचारणी सभा से भी जुड़े, क्योंकि प्रेमधन जी के घर में ही श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास दोनों का आगमन हुआ और उन्होंने आचार्य शुक्ल
उस समय आनंद कादंबरी का संपादन कर रहे थे, वहीं पर उनका परिचय हुआ और वहीं से यह भूमिका बनी कि हिंदी शब्द सागर के लिए शुक्ल जी का चयन संपादन के लिए हुआ। और इस तरह से वो एक उनके जीवन के जो निर्माण जहाँ पर हुआ वो भूमि उनकी है मिर्जापुर में, वो मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी और वहाँ के जो लाइब्रेरियन केदारनाथ पाठक वो उनके बड़े अभिन्न रहे पूरे जीवन पर्यंत। वही उनका परिचय राजेंद्र बाला घोष, उनके पिताजी वहाँ मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। इस तरह से उन्होंने बांग्ला सीखी और पूरा जो उनका वो था, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वो शुक्ल जी का एक पक्ष जो बिल्कुल लोगों के सामने नहीं आ रहा है वो यह है कि वो उनको बार बार कहा जाता कि वो पुनर्वाण व्यवस्था का पोषण किया। माइक बंद हो गया। मैम आपका माइक चालू था, मैम आपकी आवाज आ रही थी, आपने म्यूट कर दिया। मुझे नहीं मैम, हेलो, अच्छा आ रही है ना। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि दो पक्ष उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जाति व्यवस्था जो चिंतामणि भाटचार्य, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान से उनका वो संग्रह छापा है, तो जाति व्यवस्था उसमें उनका लेख है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और उसका अनुवाद हिंदी में चिंतामणि भाटचार्य में है। उसमें शुक्ल जी कहते हैं कि जाति ने वर्ग भावना और वर्ग अहंकार को पोषित किया, तो यदि उल्टा नहीं किया तो भारतीय संस्कृति और शिष्टता, जाति ने, हेलो,